कोलकाता में बेटी के साथ हुई दरिंदगी को लेकर गम और गुस्सा पूरे देश में देखने को मिल रहा है। और आज देखिए कि मेरठ में जो तमाम डॉक्टर्स हैं, चाहे IMA की बात हो, चाहे रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की बात हो, सब इसी तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जो न्याय मार्च है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है, और वी वॉन्ट जस्टिस के जो नारे हैं वो यहाँ आपको गूंजते हुए नज़र आ जाएंगे। तमाम देश के जो डॉक्टर्स हैं, लोग हैं, वो बेहद गुस्से में हैं, और जगह जगह इसी तरीके से जो मार्च है वो यहाँ पर निकाले जा रहे हैं, और अपनी जो आवाज़ है वो बुलंद की जा रही है। इन तमाम एसोसिएशंस ने आज यहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद की है, और DM के यहाँ पर ज्ञापन भी सौंपा है। इन्हीं लोगों से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, देख रहा हूँ बेहद गुस्से में हैं तमाम समाज के लोग। बहुत ज़्यादा गुस्सा है तमाम चिकित्सकों में, ना केवल चिकित्सकों में, पूरे भारतवर्ष के लोगों में चिंता का विषय है कि हमारी एक बेटी के साथ ये दुर्व्यवहार, ऐसी घटना घटी। और मैं अपील करता हूँ राष्ट्रपति से कि अब ममता सरकार को, इस सरकार में रहने कोई अधिकार नहीं है। हमारी मांग है ममता सरकार तत्काल बर्खास्त हो, और हमारे जितने भी चिकित्सक हैं उनके लिए बहुत लंबी मांग, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, उसको तत्काल लागू किया जाए। डॉक्टर साहब, देख रहा हूँ कि लगातार पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, जगह जगह प्रदर्शन चल रहे हैं, किस तरह की घटना है? मतलब कहीं ना कहीं देश का सिर शर्म से झुकता नजर आ रहा है कि एक बेटी अपनी ड्यूटी तो कर रही थी। देखिए, ये बहुत ही शर्म की बात है। अब ये बात खाली हिंदुस्तान में नहीं, भारत में नहीं, अब ये बात पूरे विश्व में फैल चुकी है कि किस तरह की एक विभत्स घटना एक डॉक्टर ही नहीं, एक भारत की एक बिटिया के साथ हुई है, और जिस बर्बरता के साथ हुई है, और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। सारा हिंदुस्तान, सारे भारत के जितने लोग हैं, नारी शक्ति, डॉक्टर्स के अलावा अब सारी जनता हम लोगों के साथ है, और सबकी ये मांग है कि तुरंत से तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, और इतनी गंभीर सज़ा मिलनी चाहिए। ये एक मिसाल बननी चाहिए कि कभी कोई इस तरह की दुर्घटना दोबारा ना हो। और इस ममता सरकार का ये टोटल फेलियर है कि हम देख पा रहे हैं कि इतना टाइम गुजरने के बाद कोई सॉलिड रिजल्ट अभी तक नहीं निकला है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत ममता सरकार बर्खास्त की जाए, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए, और इसके साथ ही एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, जिसमें सभी जूनियर डॉक्टर्स और सभी डॉक्टर्स जो कार्य करते हैं उनको एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अन्यथा कोई भी डॉक्टर कोई इमरजेंसी ड्यूटी, नाइट ड्यूटी करने में असमर्थ रहेगा। मैम, किस तरह की सजा की मांग करते हैं आप? देखिए, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये घटना उस जगह हुई है जहाँ की शासन खुद एक महिला है, तो हमने थोड़ी उम्मीद थी उनसे संवेदना की, जो नहीं रही। और एक TMC की एक और महिला सांसद का वक्तव्य जो आज आया वो और दुर्भाग्यपूर्ण था। हम ये चाहते हैं कि कठोर से कठोर सजा मिले, त्वरित कार्रवाई हो उन पर, और जो हमने वो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की है कि अस्पतालों की सुरक्षा बढ़ाई जाए, उसकी तुरंत उस पर लागू किया जाए। एक और मांग है कि जो घटना तो घटित हुई, लेकिन स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर जो हमारे चिकित्सक बंधु और जो लोग वहां धरना दे रहे थे, हजारों की भीड़ ने जिस तरह से वहां पे उत्पात मचाया, पीटा उन्होंने, ये अब ममता बनर्जी को न्याय रह नहीं जाता अधिकार कि वो सत्ता में रहे। मैं राष्ट्रपति से फिर मांग करता हूँ कि इसको बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू हो। क्या चाहते हैं देखने की? तमाम रेजिडेंट डॉक्टर भी हड़ताल पे चल रहे हैं। देखिए, इसमें समस्त डॉक्टर और जो छात्र हैं वो इस लड़ाई को लड़ना है। बहुत बड़ी घटना है देश के अंदर, आप ये कह सकते हो। इससे पहले दिल्ली में भी इस तरह की घटना हुई थी। अभी ये बताएं, डॉक्टर भगवान का एक दूसरा स्वरूप है, जो किसी भी परिस्थिति में 24 घंटे हमेशा मरीज को बचाने के लिए काम करते हैं। जब देश में डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या सुरक्षित रहेगी? आप ये देखिए, एक तरफ सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब दूसरी तरफ बेटियाँ देश में सुरक्षित नहीं है। तो हमारा यही मामला है, जो आरोपी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, उसको फांसी की सजा हो। अच्छा, फांसी की सजा हो, इस तरह की जो मांग है वो यहाँ पर उठती हुई नजर आ रही है। और जो तमाम रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो भी हड़ताल पर हैं, और उन्होंने भी सीधी चेतावनी दे दी है कि यदि जल्द कुछ नहीं हुआ, कोई सख्त एक्शन नहीं हुआ, तो फिर इमरजेंसी सेवाएं भी ठप कर दी जाएंगी। आपसे जानना चाहूंगा, किस तरह की घटना, क्या मांग की है आप लोगों ने? हम अपनी सेफ्टी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सारे CCTV कैमराज इंस्टॉल हो जाए, हमारे प्रॉपर गार्ड्स हमारे हॉस्पिटल में इंस्टॉल हो जाए, बस। किस तरह की घटना मानते हैं? कहीं ना कहीं नहीं लगता आपको कि शर्मसार करने वाली घटना है? हाँ, शर्मसार करने वाली घटना तो है ही ये, एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर का रेप होना, उसके बाद मर्डर होना, तो ये शर्मसार करने वाली घटना है ही। क्या एक्शन चाहते हैं, क्या सजा होनी चाहिए? फांसी की सजा तो होनी चाहिए, मिनिमम सजा यही है। मिनिमम सजा दो है फांसी की, क्या सजा चाहते हैं आप लोग?
सर ऐसा है कि जो भी चीज़ें हुई काफ़ी गलत हुआ पहली चीज़। हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम इतने दिन से डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे हैं, हर दूसरे दिन मार हम पिटाते हैं, ठीक है, फिर भी ड्यूटी करते हैं। एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम इतने दिन से लड़ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट आज तक उसके लिए चू तक नहीं कसी। इतना बड़ा कांड हो गया, ठीक है, किसी मिनिस्टर, किसी एमपी, किसी प्राइम मिनिस्टर का कोई एक बाइट नहीं आया कि उस लड़की के साथ कितना निर्दयी घटना हुई है। इसके लिए हम सारे डॉक्टर जितने भी हैं, और सिर्फ इसी मेडिकल कॉलेज नहीं, पूरे इंडिया के मेडिकल कॉलेज, इवन फॉरेन कंट्री से भी लोग सपोर्ट में हैं। हम चाहते हैं कि इस चीज़ को ऐसे एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि आने वाले टाइम में कोई भी डॉक्टर पे हाथ उठाने से पहले 10 बार सोचे, कोई कमेंट करने से पहले सोचे। हमारे ही मेडिकल कॉलेज में आए दिन घटना होती है, हर एक मेडिकल कॉलेज में। आज एक सप्ताह पहले KGMC में घटना हुई, क्या हो गया? हर कोई ये बोल रहा है कि वो सरकार, ये सरकार, लेकिन हम किसकी सुने? हमारे लिए हमारी तो प्राइम डिमांड यही है ना कि हम डॉक्टर हैं, सॉफ्ट कॉर्नर हैं, कोई भी आके हमें मार के चला जाता है, इससे क्या सॉल्यूशन है? और सबसे बड़ी चीज़ है, ये चीज़ सिर्फ हमारे लिए नहीं है कि बलात्कार हो गया, ये जनरल पब्लिक के साथ भी है, किसी के साथ भी हो सकता है। देखना डॉक्टर साहब, बेहद गुस्सा नजर, बिल्कुल ये रेजिडेंट डॉक्टर्स की व्यथा मैं समझ सकता हूँ। मेरी और एक भी और मांग है कि आप अगर जाकर किसी भी मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स ड्यूटी रूम को देख लेंगे तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। हमारी बहन, बेटियाँ, बच्चे, लड़के किस तरह से, कितनी दुर्गति में उस 36 घंटे की ड्यूटी करते हैं। हमारी डिमांड है कि रेजिडेंट डॉक्टर, जैसे कि NMC पास करता है किसी मेडिकल कॉलेज के लिए क्या नियम होने चाहिए, वहाँ ये भी होना चाहिए कि रेजिडेंट डॉक्टर्स का ड्यूटी रूम कैसी है, उसकी सुरक्षा कैसी है, यह नियत होना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर तनुराज सिरोही भी हैं। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाह रहा हूँ किस तरह की घटना है, और हर तरफ एक ही बात की चर्चा चल रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे तो रूह तक कांप जाएगी लोगों को। देखिए बिल्कुल, इसको अगर अंग्रेजी में कहूँ तो बहुत ब्रूटल घटना है, बहुत मार्मिक घटना है। और इस तरह से अगर ट्रेनिंग डॉक्टर्स जो जीवन रक्षा में लगी हुई थी उसके साथ में इस तरह का क्राइम अगर घटित होगा तो पूरी की पूरी जो हमारी मेडिकल व्यवस्था है वो चरमरा गई है। और सेंट्रल IMA के आह्वान पे आज सारी हेल्थ केयर सर्विसेज हमने विड्रॉ कर रखी हैं। हम लोग बहुत आक्रोशित हैं। और देखिए नारी सम्मान में तो क्या क्या नहीं हो गया, महाभारत हो गई और लंका दहन तक हो गई और निर्भया तक हो गई। हम लोग इसको इसी लेवल पर लेकर के जाएंगे ताकि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल और वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स के लिए सख्त से सख्त कानून बने भी और इम्प्लीमेंट भी हो कहीं ना कहीं से। अभी हमारा सरकार में, खास तौर से ममता सरकार में हमारा भरोसा बिल्कुल नहीं जमता। हम लोग आह्वान करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ममता सरकार के अगेंस्ट कड़ी से कड़ी स्टेप उठाएं और वहां पर लॉ ऑफ रूल अपना लागू करें। जो दरिंदगी हुई है, जिस बेटी के साथ दरिंदगी हुई है, उसके गुनहगारों के लिए क्या सजा चाहिए? फांसी से कम नहीं, फांसी चाहिए, फांसी से कम कोई कुछ एक्सेप्ट नहीं होता। पहले भी देखिए हुआ इस तरह की चीज़ों को, सरकार, योगी सरकार को अगर देखें तो नज़ीर पैदा करती आ रही है। कहीं ना कहीं इसी नज़ीर पे कुछ ना कुछ हमें न्याय चाहिए। इससे कम न्याय में हम लोग अपनी संतुष्टि नहीं करेंगे। हम लोग जब तक आक्रोशित बने रहेंगे जब तक इस तरह की न्याय हमें नहीं मिलता। अभी तक जो है 24 घंटे की OPD सेवा ठप कर रखी है? बिल्कुल, अभी कल सुबह तक की हमारी सभी OPD सेवाएँ कल सुबह 6 बजे तक के लिए सस्पेंडेड है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए तमाम डॉक्टर्स हैं, आज किस तरीके से यहाँ पर जो जुलूस है वो निकाला है और बेहद गुस्से में नजर आ जाए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जो इंसिडेंट हुआ बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक इंसिडेंट है। डॉक्टर्स की कोई सेफ्टी नहीं है इस कंट्री में, अभी भी सिर्फ डॉक्टर्स ही बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आम जनता इन्वॉल्व भी नहीं है, आधों को तो पता भी नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इसीलिए हमारा ये संघर्ष है कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, हम बता सकें कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। मतलब ड्यूटी जूनियर डॉक्टर्स पे ही सारी गाज गिरती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ड्यूटी करना ही इतना मुश्किल हो चुका है। ठीक है, तो देखिए तमाम डॉक्टर्स गुस्से में हैं और सीधी मांग कर रहे हैं कि जो भी दरिंदे हैं उनको कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए और ऐसा सख्त एक्शन होना चाहिए ताकि देश में मिसाल बन सके। सनुज शर्मा, ABP न्यूज़, मेरठ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.